नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को। बिहार में दो डिप्टी सीएम होंगे, ऐसा हम नहीं जीतन राम मांझी ने कहा है। और इस सवाल को जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा तो तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए। महागठबंधन के अंदर जीतन राम मांझी ने कहा कि दो दो उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, पता नहीं अभी तक तो। अभी तो हम लोग उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, एक सहमति बनी है कि एक अनुसूचित जाति का एक पिछड़ी जाति का मंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री होगा। कहाँ तक ये सत्य है पता नहीं, हम तो सुने नहीं। अब आप लोग कह रहे हैं होगी बात, थोड़ी मांगी सब लोग से बात। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने इस सवाल को ही खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पर बैठकर चर्चा होगी और ये बात जो है मेरे संज्ञान में नहीं है। मगर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की इस बात को दिल्ली में उन्होंने बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है कि मोदी की दो डिप्टी सीएम और एक सीएम होना चाहिए, इसमें एक अति पिछड़ा जाति और दूसरा अल्पसंख्यक हो और एक तीसरा अनुसूचित जाति समुदाय का हो। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है या हमारे सहयोग से सरकार बनती है तो इस फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश होगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी आंख दिखा दी है महागठबंधन को। मांझी के इस बयान के बाद से महागठबंधन दलों के बीच एक बार फिर सीएम पद के चेहरे पर तकरार बढ़ गई है। इस बीच महागठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने भी कुछ मांझी की ही लाइन पकड़ ली है। उन्होंने महागठबंधन को यूपीए से जोड़ दिया और कहा कि सोनिया गांधी ही यूपीए का चेहरा और कांग्रेस का आलाकमान ही तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी बीच शरद यादव से भी मांझी मुलाकात करते हैं तेजस्वी। दिल्ली के 7 तुगलक रोड में शरद यादव से जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है और इन दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे बात होती है। और बिहार के महागठबंधन में कौन सीएम का चेहरा होगा और कौन उप मुख्यमंत्री होगा या फिर कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ हो रही हैं अभी दिल्ली में। आप बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। क्या कुछ होगा बिहार के आने वाले राजनीति में, पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर से आप सबसे पहले अवगत हो सकें।